Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. You are watching Coding with Kids. Previous videos में हमने discuss किया कि किस तरह से C और object को use करते हुए अपने text को screen पे print करवा सकते हैं. आज के इस video में देखेंगे कि program में user से किस तरह input ले सकते हैं. अगर आप coding सीखना चाहते हैं तो channel को subscribe कर दें और साथ में दिए गए bell के icon पर click करके all के button को press कर दें ताकि आपको latest videos की update मिलती रहे. प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप का. वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे. फाइल का नंबर यूजर को मैसेज डिस्प्ले होगा कि टाइप का नंबर. कोई भी टेक्स्ट अगर आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप सी आउट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं. लेकिन अगर हम अपने प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे सी इन ऑब्जेक्ट को. सी आउट ऑब्जेक्ट इंसर्शन ऑपरेटर के साथ यूज होता है और सी इन ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर के साथ यूज होता है. यूजर जो भी इनपुट देगा वो एक्स वेरिएबल में स्टोर होगा. तो इसलिए सीन ऑब्जेक्ट लिखने के बाद एक्स वेरिएबल लिखना है. प्रोग्राम को सेव करने के बाद रन करेंगे. टाइप अ नंबर, कोई भी नंबर आप यहाँ पे एंटर कर दें. यूजर जो भी इनपुट देगा वो इस एक्स वेरिएबल में स्टोर होगा. तो 8 एक्स वेरिएबल में स्टोर है. अगर हम स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं कि यूजर ने क्या इनपुट दिया है तो उसके लिए अगेन हम सी आउट ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे. प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप टेक्स्ट के साथ वेरिएबल की वैल्यू को भी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे, देन वेरिएबल का नेम लिखेंगे जिसमें वैल्यू स्टोर है. कोई भी चेंजेस अगर आप प्रोग्राम में करें तो रन करने से पहले आपने प्रोग्राम को सेव करना है, देन रन करना है. जो भी इनपुट आप देंगे वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा. तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम में यूजर से इनपुट ले सकते हैं और उस इनपुट को स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं कि यूजर ने क्या इनपुट दी है. अब एक सिंपल सा कैलकुलेटर क्रिएट करते हैं जिसमें यूजर से दो नंबर लेंगे एंड देन उन नंबर्स को ऐड करने के बाद उनका सम स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे. सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. यूजर जो भी इनपुट देगा वो इन वेरिएबल्स में स्टोर होगा. एक्स कॉमा वाई दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं क्योंकि यूजर से इनपुट में दो नंबर लेने हैं और तीसरा वेरिएबल सम है जिनमें x प्लस y की वैल्यू स्टोर होगी. क्योंकि तीनों वेरिएबल्स की डेटा टाइप इंटीजर है इसलिए मैंने इन तीनों वेरिएबल्स को एक ही लाइन में डिक्लेयर किया है. नेक्स्ट स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं कि टाइप अ नंबर. यूजर से इनपुट लेने के लिए सीन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो एक्स वेरिएबल में स्टोर होगा. यूजर से सेकंड नंबर इनपुट लेने के लिए अगेन एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे टाइप अनदर नंबर. यूजर जो सेकंड नंबर इनपुट करेगा वो वाई वेरिएबल में स्टोर होगा. सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. तो सम वेरिएबल में एक्स प्लस वाई की वैल्यू स्टोर होगी. सम वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए अगेन सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. फर्स्ट
नंबर एंटर करेंगे, देन एंटर की प्रेस करेंगे, सेकंड नंबर एंटर करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, सम इज 15, देन दोनों नंबर्स का सम स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सेम ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए किस तरह से यूजर से इनपुट ले सकते हैं और एक सिंपल सा कैलकुलेटर क्रिएट किया जिसमें दो नंबर इनपुट लिए एंड देन उन नंबर्स को ऐड करने के बाद उनका सम स्क्रीन पे प्रिंट करवाया। अगर आप C++ लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आप स्टार्टिंग से C++ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और आपको पहले से C++ प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं पता तो आप जाके वो ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, उनमें मैंने C++ लैंग्वेज को बिल्कुल स्टार्ट से एक्सप्लेन किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।